गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस एंड दैट इज इन चैप्टर 3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। सो डियर स्टूडेंट, द वर्ड काउंटेबल हैज गॉट द 4 लेटर्स ऑफ सफिक्स ए बी एल ई एबल। That means in Hindi, yogya, or in Urdu you can say like. So countable, that means which can be counted. And uncountable, that means which cannot be counted. Uncountable, that means this word has got prefix and suffixes both. Un is the prefix, un, 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 and able is suffix. So this word has got suffixes and prefixes both. Uncountable, and the uncountable word refers to the things that cannot be counted. तो ये तो आपको पहले से ही पता है countable और uncountable किसे कहते हैं। मैंने आपको आपकी याद के लिए आपको मैंने बता दिया। So you can see a picture here in this page. And in this picture you can find different items given here. तो इनमें जो है मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस अमंग देम। लिखा है लेट्स रिमेंबर फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो पिक आउट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउंस। तो ये आप कर लेंगे वेरी इजीली आई थिंक। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ नाउन कैन बी काउंटेड और नॉट, इट इज क्लासिफाइड एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से नाउन को गिना जा सकता है और कौन से नाउन को नहीं गिना जा सकता है। इसी चीज़ के लिए है ना, इस पर जो है मतलब इसी चीज़ के लिए हमने क्या किया है, नाउन को जो है मतलब दो क्लास में, दो जमात में जो है मतलब विभाजित किया गया। माई डियर, एक क्या है काउंटेबल और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि काउंटेबल नाउन इज़ द नाउन दैट कैन बी नंबर्ड और दैट कैन बी काउंटेड। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिस नाउन की गिनती नहीं कर सकते हैं, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी नंबर्ड दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन की गिनती नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन के डेफिनेशन अगर उसका अगर एग्जांपल हम ले लें तो जैसे आप कहते हैं पेन, मैन, टेबल, बुक, चेयर, इटीसी। अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं जैसे आपने कहा आयल, वाटर, मिल्क, सीमेंट, सैंड वगैरह वगैरह, ब्रेड, ये सब के सब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है किस तरह से किया जाता है। देखिए लिखा है एडजेक्टिव्स यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स में, देखिए क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन्स टेक बिफोर देम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। काउंटेबल नाउन्स टेक बिफोर देम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जाहिर है ऑब्वियसली कि भाई काउंटेबल है, जब आप उसको गिन सकते हैं तो आप उसकी संख्या बता सकते हैं, जाहिर है। तो कह रहा है कि काउंटेबल नाउन जो है ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप जानते हैं यानी संख्यावाचक विशेषण, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है काउंटेबल नाउन के पहले आता है। जैसे देखिए सच एज 2, 10 और 100। भाई 2 ये 2, 2 को 2 कहते हैं, 10 मतलब 10 होता है, 100 का मतलब होता है 100 होता है। ये सब के सब जो एडजेक्टिव्स है इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। एंड ऑल्सो अदर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, और दूसरे भी एडजेक्टिव्स आते हैं जो क्वांटिटी को बताता है, उसके जो है मतलब मात्रा को बताता है। जैसे देखिए सच एज मैनी, ज़्यादा, कितने मात्रा में, बहुत ज़्यादा, कई, सेवरल का मतलब था कई, और फ्यू, कितने मात्रा में, थोड़ा सा। तो ये सब के सब जो है एग्जाम्पल जो था आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नंबर था, जो कि काउंटेबल नाउन के पहले आता है। माय डियर स्टूडेंट, या यूँ कह सकते हैं आप कि काउंटेबल नाउन इन सब एडजेक्टिव के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में इन सब एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका किसका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। जैसे एग्जांपल में देखिए सेवरल पीपल स्टॉप्ड
and stared at the man in the strange dress. In the sentence, the bold letters words are people, girls and voices. देखिए several people, कई सारे लोग, यहाँ पे जो है ये आपकी कई सारे लोग, तो ये जो है मतलब इन पीपल के जो है मतलब संख्या को बता रहा है. 20 गर्ल्स, यहाँ पे भी संख्या बताया जा रहा है, और यहाँ पे भी 100 वॉइसेस. तो कहीं ना कहीं इन तीनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए ये सारे के सारे नाउन हैं, और दीज आर काउंटेबल नाउन्स, और उसके पहले जो वर्ड्स आए हैं वो क्या है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी को बता रहा है और नंबर को बता रहा है, संख्या को बता रहा है. नेक्स्ट में अगर हम देखें, आप बात करें अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, तो अनकाउंटेबल नाउन्स कह रहा कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक बिफोर देम एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट मीन क्वांटिटी और नंबर. एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यहाँ पे फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन चूँकि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी नंबर्ड और कैन नॉट बी काउंटेड, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, तो फिर जाहिर है कि नंबर का तो वहाँ पे होगा नहीं, या क्वांटिटी उसकी संख्या, क्या कहते हैं, नंबर तो बता नहीं सकते हैं, हम उसकी क्वांटिटी को या नंबर को बता नहीं सकते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल है. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो भी एडजेक्टिव्स आ रहा है, आप उनको ये बिल्कुल कतन ना समझें कि वो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर नंबर है, बस यूँ कह लीजिए आप कि दे आर एडजेक्टिव्स दैट डू नॉट शो द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स, सच एज लिटल, सम, नो, अलॉट और मच. एग्जाम्पल्स में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ यू लाइक यू मे टेक सम मोर टाइम टू रीड द मॉर्निंग न्यूज़पेपर. देखिए यहाँ पे टाइम जो है, दिस इज़ अ नाउन एंड दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन माय डियर, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, टाइम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मोर का इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव के तौर पर, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ ओनली एडजेक्टिव, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी, याद रखिएगा. लिटिल अटेंशन, कहीं कहीं आप दूसरी जगह में जो है मतलब इन द अदर प्लेसेस आप देखेंगे कि लिटिल जो है मतलब ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, बट हेयर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो है क्वांटिटी को नहीं शो कर रहा है, बस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, आप इस बात को याद रखिएगा. जैसे लिटिल अटेंशन वॉज पेड बाय द सेल्स टीम टू द मैनेजर्स सजेशंस एज दे वर इम्प्रैक्टिकल और अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इन टू राइटिंग दिस बुक. देखिए यहाँ पे वर्क, अटेंशन और टाइम, ऑल दिस थ्री नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और इनके साथ में आगे जो इनके इनको क्वालिफाई करने के लिए, इनकी क्वालिटी को बताने के लिए जिन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया, मो का, लिटिल का, अलॉट ऑफ का जो इस्तेमाल किया गया है, कि तो ये सब के सब जो है एडजेक्टिव्स है, बट दे डोंट शो द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द नाउन, टाइम, अटेंशन एंड वर्क, सो वी कैन नॉट कॉल देम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है. आगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग क्वांटिटी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो क्वांटिटी ही आएगी, नंबर तो नहीं आएगा, क्वांटिटी का मतलब उसकी मात्रा को बता सकते हैं, नंबर नहीं बता सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है. लिखा है मोस्ट अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेंशनिंग देयर पोर्शन और बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. अब देखिए आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के चैप्टर में, इस चैप्टर सेकंड में आपको ये बताया गया था कि अनकाउंटेबल जो है क्या होता है, वो कॉन्क्रीट भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कॉन्क्रीट नाउन उसको कहते हैं दैट कैन बी सेंस्ड और एक्सपीरियंस्ड बाय फाइव सेंसेस, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, और अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जाहिर है, लेकिन देख तो सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, दैट वेरी नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल वो होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं भाई, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही आप गिन सकते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल कहते हैं. तो दैट इज अनदर थिंग, आपने चैप्टर टू में, अपने नाउन के चैप्टर में पढ़ा था. तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन आपको बता दिया हमने, कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेंशनिंग देयर पोर्शन, उसके जो है मतलब कुछ अंश को, पोर्शन का मतलब कहता है अंश, कुछ हिस्से को जो है मतलब
दर्शाते हुए, और वह यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, या फिर माप का जो है मतलब क्या कहते हैं, किस पर्टिकुलर, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित माप का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं, किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। तो जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी द एडजेक्टिव, वही क्या हो जाएगा उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। लिखा हुआ आई बॉट 500 ग्राम्स ऑफ बटर, बटर इज अ नाउन एंड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। कितना ग्राम, कितने क्या क्वांटिटी उसकी बता रही है, 500 ग्राम्स यानी 500 ग्राम। तो ये जो 500 ग्राम्स है ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिफाई कर रहा है किसको, बटर को। वी विल नीड एटलीस्ट 3 कैंस ऑफ पेंट फॉर दिस रूम। यहाँ पे देखिए पेंट इज अनकाउंटेबल नाउन। माय डियर, पेंट जो है काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों होता है, ठीक है ना। बट हेयर पेंट इज अनकाउंटेबल नाउन, और 3 कैंस जो है ये जो है उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको उसके क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं, या फिर क्वांटिफायर भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आगे लिखा कुड आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड प्लीज। तो ब्रेड जो आप देखते हैं, ब्रेड इज अनकाउंटेबल नाउन, कीप इट इन माइंड, आप अपने दिमाग में रखिएगा, ब्रेड जो है ये अनकाउंटेबल होता है। कई बार हमको ये लगता है कि ब्रेड का मतलब रोटी, ठीक है ना, रोटी जो हम देखते हैं तो वो तो भाई गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना, तो हम कहते हैं, लेकिन बट इन इंग्लिश ग्रामर ब्रेड कंसिडर्ड टू बी एन अनकाउंटेबल एन नाउन नॉट अकाउंटेबल। ब्रेड के लिए आप लोफ का इस्तेमाल कर, लोफ टुकड़ा, ब्रेड रोटी का टुकड़ा, उस तरह दूसरी जगह में लोफ की जगह में आप देखते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, ये कहते हैं। तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सब जो है मतलब आपका जो है क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी को शो कर रहा था, ये 500 ग्राम्स ये बटर की क्वांटिटी को शो कर रहा है, 3 कैंस ये पेंट की क्वांटिटी को शो कर रहा है, और लोफ जो है ब्रेड की क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो दी आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट में लिखा द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड आर। आर्टिकल्स जानते हैं आप, आर्टिकल्स आर 3 इन नंबर्स, ए एंड और द अमंग देम, है ना। आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की संख्या 2 होती है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, दैट इज द। क्या लिखा है, द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन। जाहिर है भाई, ए का माने एक होता है, एन का माने एक होता है, तो काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा, दे आर इक्विवेलेंट टू 1, और ए और एन का माने क्या होता है, एक होता है, तो एक के बराबर होता है। और द डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द जो है डेफिनेट आर्टिकल, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने पढ़ा है कि द जो होता है ये कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखकर आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, कि द स्टूडेंट्स हु हैड गॉन ट्रेकिंग हैव लॉस्ट देयर वे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये खास स्टूडेंट्स की बात चल रही है, स्टूडेंट का कहने का मतलब तो कोई भी स्टूडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास स्टूडेंट की बात चल रही है। कौन से स्टूडेंट्स, वो लोग जो ट्रैकिंग में गए थे, वो लोग अपना रास्ता भूल गए, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है मतलब ये दा जो है आपको क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिक बना रहा है स्टूडेंट्स को, जो कि कॉमन नाउन है। यहाँ पर देखिए मिल्क जो है ये क्या है आपका, इसको आप क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और देखिए क्या लिखा था, मिल्क टेस्ट सोर आई थिंक इट हैज़ गॉन बैड। तो यहाँ पे उस मिल्क की बात हो रही है जिस जो स्पीकर जो है मतलब स्पीकर के दिमाग में जो है मतलब किसी पर्टिकुलर कोई खास दूध की बात चल रही है। सभी दूध मतलब जितना भी दूध है दुनिया में, दूध वर्ड, तो ये तो कोई भी कहीं का भी दूध हो सकता है, किस तरह का भी हो सकता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर जो है मतलब दूध की बात कर रहा है, वो दूध है ना की बात कर रहा है, उसके मन में कि वो दूध जो है मतलब ख़राब हो गया है, वो उसके दिमाग में है, किसी पर्टिकुलर दूध की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल और डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, क्या कहा कि डेफिनेट आर्टिकल जो है द, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में कराएंगे। देखिए द का यहाँ पे काउंटेबल के साथ में किया गया, और मिल्क अनकाउंटेबल है, दोनों के साथ में द का इस्तेमाल किया गया है। ए और एन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, यू कैन अंडरस्टैंड। आप कहेंगे कि जो है आई हैव अ पेन, जैसे वेरी इजी एग्जाम्पल कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यू हैव एन अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता है। तो ये एन और ए ये इंडिकेट कर रहा है जो है क्या कहते हैं, ए इंडिकेट कर रहा है पेन को, जो कि सिंगुलर है, अम्ब्रेला इंडिकेट कर रहा है, एन अम्ब्रेला को इंडिकेट कर रहा है, जो अम्ब्रेला सिंगुलर है, इनका प्लूरल फॉर्म हो सकता है।
आगे यहाँ पे लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट कि द यूज़ ऑफ मैनी एंड मच, मैनी का और मच का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मैनी इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है ना। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं इज इक्वल टू मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना। आपने कहा कि जो है मतलब आई हैव स्टडीड मैनी बुक्स, ठीक है ना, रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बुक्स चूँकि अकाउंटेबल है इसलिए आपने वहाँ पर क्या किया, आपने मैंने का इस्तेमाल किया। लेकिन मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आया है मैनी पीपल, पीपल काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और ये आपका कलेक्टिव नाउन भी है। हेयर इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, है ना, मैनी पीपल विल बी देयर एट द पार्टी, शी डज नॉट हैव मच लव, लव इज एन अनकाउंटेबल नाउन, लव, और अनकाउंटेबल यानी ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना, इसकी आप गिनती नहीं कर सकते भाई, इसीलिए इसके साथ में देखिए मच का इस्तेमाल किया गया है। हाउ मैनी कप्स, हाउ मैनी कप्स ऑफ मिल्क वर गिवन टू द चिल्ड्रेन टुडे मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए मैनी का इस्तेमाल किया गया कप्स के लिए, यहाँ पे मिल्क के लिए नहीं किया गया, बिल्कुल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड फॉर दिस, यहाँ पे कप्स की संख्या बताने के लिए मैनी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हाउ मैनी, कितने सारे कप्स, है ना, दूध के कितने सारे कप्स जो है मतलब आज सुबह बच्चों को दिए गए, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ द यूज़ ऑफ फ्यू एंड लिटल, तो उसको पढ़ने से पहले ये यू फ्यू और लिटल के यूज़ पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, लिखा इन द थर्ड सेंटेंस मैनी इज़ यूज्ड फॉर कप्स विच इज़ अ काउंटेबल नाउन नॉट फॉर मिल्क, मिल्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन टेक नंबर्स बिफोर देम बट ओनली व्हेन रेफरिंग टू देयर क्वांटिटी, सिर्फ उस समय में उसके क्या कहते हैं नंबर का इस्तेमाल होगा जब उसकी क्वांटिटी को बताया जाए, समझा, नहीं तो यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल कप्स के लिए किया गया है, मिल्क के लिए नहीं किया गया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट दैट इज द यूज़ ऑफ फ्यू एंड लिटल, देखिए क्या लिखा है, फ्यू इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स वेयर एज लिटल इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैनी का और मच का इस्तेमाल किया गया, मैनी इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, उसी तरह से यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए करते हैं, और लिटल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, फ्यू का माने भी होता है जिसका जितना लिटिल का माने होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर और अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन अमंग दिस थ्री वर्ड्स, अ फ्यू, वेरी फ्यू और फ्यू, सबके माने कम होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उसमें भी जो है क्या कहते हैं उसकी भी डिग्रीज होती हैं, डिग्री का माने क्या होता है, डिग्री का माने स्थिति, एक आपने ये भी पढ़ा है, है ना, कंपैरिजन में देखिए क्या लिखा, अ फ्यू मीन्स सम एंड नॉट मैनी, थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अ फ्यू माने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा से भी कम, थोड़ा से भी कम, क्या लिखा हुआ है, वेरी फ्यू मीन्स लेस देन अ फ्यू मीन्स सम एंड नॉट मैनी, मतलब थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मैनी, वेरी फ्यू मीन्स लेस देन अ फ्यू, वेरी फ्यू जब कहेंगे तो आप कहते हैं कि जो है मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू मतलब लेस देन अ फ्यू यानी थोड़ा सा भी कम, और फ्यू मीन्स हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन, और हार्डली का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ही ना के बराबर। एग्जाम्पल सी द एग्जाम्पल है, अ फ्यू पीपल वर देयर बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टी देन द मीटिंग, देखिए मीटिंग में कुछ लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, कहने का मतलब ये हुआ कि अ फ्यू पीपल वर देयर, मीटिंग में कुछ लोग थे लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, मीटिंग में कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बट दे वर, है ना, मोर इंटरेस्टेड इन टी देन द मीटिंग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू मीन्स सम एंड नॉट मैनी, थोड़ा सम, अ फ्यू मीन्स सम, कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। वेरी फ्यू का देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में, वेरी फ्यू पीपल टर्नड अप फॉर द मूवी ड्यू टू द हैवी रेन, फॉर द मूवी ड्यू टू हैवी रेन, वेरी फ्यू का मतलब होता है ना, कुछ थोड़े से लोग, थोड़े से लोग, मतलब थोड़ा में भी थोड़ा, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, कम लोग, है ना, यानी कम लोगों में से भी कम लोग, कम से भी कम लोग,
यानी कुछ ही लोग जो है मतलब चंद ही लोग है ना बारिश की वजह से जो है मतलब वो मूवी के लिए चले गए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फ्यू पीपल कैन टॉलरेट क्रिटिसिज्म ऑफ देमसेल्व्स, यानी ना के बराबर ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम 99.9% लोग ऐसे होंगे, सॉरी मतलब 100 में जो है मतलब 1% लोग जो है मतलब ऐसे ही ना के बराबर 0.1 कह लीजिए आप लोग ऐसे होंगे जो कि अपने जो है मतलब क्रिटिसिज्म यानी चुगली को जो है मतलब बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कहता है फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है ना, बहुत ही कम। टेस्ट हुआ हम लोगों का, इतना आसान था, बहुत ही आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, है ना, बहुत ही ना के बराबर परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ी, आप कहते नहीं हैं उसी तरह से। आगे आपका लिखा हुआ है अ लिटल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी। अब देखिए ये तो क्या कहते हैं काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का इस्तेमाल किया गया, लिटल का इस्तेमाल आपने पहले ही पढ़ा है कि अनकाउंटेबल के साथ में किया जाता है, और लिटल का इस्तेमाल क्वांटिटी को शो करने के लिए लिखा है। अ लिटल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा में, वेरी लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा भी कम मात्रा में, और लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कोई चीज़ की मात्रा आप बता रहे हैं जो बिल्कुल ना के बराबर है। एग्जाम्पल में आप देखें लिखा है प्लीज़ गिव मी जस्ट अ लिटल राइस, मुझे थोड़ा सा चावल दें, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड यू वेरी लिटल राइस, तो आपने कहा मेहमान करने के, मेहमान दावत खाने के लिए आप गए हैं तो आपने कहा कि जो है मतलब बिल्कुल थोड़ा सा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो होस्ट आपको बोल रहा है यानी जो आपको सर्व कर रहा है खाना वो आपको बोल रहा है भाई पहले ही मैंने बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, है ना, आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड यू वेरी लिटल राइस, बिल्कुल थोड़ा सा दिया है, यानी थोड़ा सा भी कम दिया हमने आपको और आप भी उसके ऊपर में आप बोलते हैं और कम दीजिएगा, है ना, ये इस सेंस में आप ले सकते हैं। आगे बोल रहा है कि ही रिसीव्ड लिटिल सिंपैथी फ्रॉम द नेबर्स एज ही हैड बीन रूड टू देम अर्लियर, और लिटिल का मतलब ना के बराबर, जाहिर है भाई अगर आप बदतमीज़ हैं तो आप अपने पड़ोसियों से आपको जो है मतलब सिंपैथी कहाँ से मिल पाएगी, ना के बराबर सिंपैथी मिली उसको। तो यहाँ पे लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, वेरी लिटिल का मतलब होता है कम थोड़ा सा भी थोड़ा, और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप ये वीडियो को जो है मतलब बार बार देखें और देख करके जो है क्या कहते हैं आप एक्सरसाइजेस बना के आप भेजें। ओके टिल देन हैव अ गुड डे।